कार्यालय में आपका स्वागत है। मैं दीप सिंह, आइए चलते हैं खास खबर की ओर। आज मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार सिन्हा द्वारा मंडल रेल प्रबंधक मीटिंग हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि पिछले 10 वर्षों में लोकोमोटिव पायलटों की कार्य स्थिति में बड़े सुधार किए गए हैं और आज रनिंग रूम में भी काफी सुधार हुए हैं। लगभग सभी रनिंग रूम अब तक वातानुकूलित हो गए हैं। कई रनिंग रूम में फुट मसाज भी उपलब्ध कराए जाते हैं। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि पिछले कुछ वर्षों से बड़ी भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई है और 34,000 रनिंग स्टाफ की भर्ती की गई है। वर्तमान में 18,000 रनिंग स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है। संवाददाता मुकेश राजपूत के साथ नीरज भटनागर की रिपोर्ट। ये बेसिकली हम लोगों को अवगत कराना था कि जो हमारे जो लोको पायलट्स हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी के स्टाफ हैं और जब ट्रेन लेकर के चलते हैं तो इनकी सावधानी से काफ़ी चीज दुर्घटनाएं बच सकती है और इनको सिग्नल्स और जो भी रास्ते में नुजुल्स होते हैं और आपके कॉशन ऑर्डर से उसके बारे में काफ़ी अलर्ट रहना पड़ता है। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग भी अब हो रही है तो हर किलोमीटर पर एक एक सिग्नल मिल सकता है, तो उसके वजह से इनको अलर्टनेस की बहुत ज़रूरी है और अलर्टनेस के लिए ज़रूरत है, फोकस रहने के लिए ज़रूरत है कि क्वालिटी रेस्ट हो जब वो ड्यूटी से आएँ और रनिंग रूम में जहाँ पर ये ठहरते हैं वहाँ पर सुविधाएँ अच्छी हो, जैसे AC हो और ब्लैंकेट्स, वॉशरूम अच्छा हो, खाने की क्वालिटी अच्छी हो, तो इन सबको सुविधाओं को जो जितने अच्छा वहाँ पर रहने की रिक्रिएशनल फैसिलिटी हो, लाइक योगा का रूम है, जिम रूम है, खेलने की है, रीडिंग रूम है, ताकि ये लोग जब लाइन पर जाएं तो बिल्कुल रेस्ट होकर के लेकर के फ्रेश होकर के जाएं। तो इस पर आधारित एक हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी एक रनिंग रूम की, जो आप लोगों के सामने दिखाया गया था आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो मेन पर्पस क्या आता है कि ये है कि लोगों को एजुकेट करें कि हम लोग कितनी सुविधाएं दे रहे हैं और इनके जो भी समस्याओं को हम लोग रेगुलर ध्यान देते हैं। DOR का एक सिस्टम है, ड्राइवर ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, जो कि ट्रेन पर चलता रास्ते पर चलता है तो जो भी उसकी ऑब्जर्वेशन होते हैं रिपोर्ट करता है, वो ऐप के थ्रू भी मोबाइल से भी कर सकता है और जब साइन ऑफ करता है क्रू लॉबी में तो वहाँ भी वो प्रॉब्लम को नोट कराता है और उसको विदिन 3 डेज हमें कंप्लाई करना रहता है, कुछ तो इमिडिएटली कंप्लाई करना रहता है। तो उसका एक सिस्टम है और रेगुलर हम लोग इसको चर्चा करते हैं और उससे और सिस्टम में इम्प्रूवमेंट होता है। कुछ सर फर्जी खबर चलाती हैं पक्का, उस पर क्या करें? फर्जी खबर में तो हम लोग उसका खंडन ही निकाल सकते हैं, अगर मान लीजिए कि वेरीफाइड सोर्स नहीं है और उस पर कोई पत्रकार चलाते हैं तो उसका खंडन निकाल सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि नहीं ये बात ये सही है। और ये भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी न्यूज़ है वो हम लोग पहले से ही दे दें ताकि ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, सही इन्फॉर्मेशन छप जाए।